हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 8, दैट इज विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो लेट अस स्टार्ट। ओडिशा वाज हिट बाय साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। ओडिशा को एक साइक्लोन, एक तूफान ने हिट किया था जिसकी विंड की स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर पर आवर, कब किया था, 18 अक्टूबर 1999 में। उस तूफान ने क्या किया था, 45,000 घर जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तोड़ दिए थे, 7 लाख पीपल जो थे वो बेघर हो गए। और ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, उसी साल में 29 अक्टूबर को एक और तूफान ने हिट किया उड़ीसा को, जिसकी स्पीड कितनी थी, 260 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इट वॉज अकम्पनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाइट, और उनके साथ एक वाटर की वेव्स भी थी जिनकी हाइट कितनी थी, 9 मीटर तक हाइट थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, जिसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। और तो और साइक्लोन ने अफेक्ट किया एग्रीकल्चर को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को। ओके, कहने का मतलब है कि जिस तूफान ने हर एक फील्ड को अफेक्ट किया यहाँ पे, ये इतना भयानक था। ठीक है, बट व्हाट आर साइक्लोन्स, लेकिन अब ये बात है कि ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, हाउ आर दे फॉर्म, ये बनते कैसे हैं, और ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स ऑफ सम ऑफ दिस क्वेश्चन, इस चैप्टर में हम आंसर ढूंढेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को। कि वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर, वो हम शुरू करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ से जिसमें एयर को हम इन्वॉल्व करेंगे। ये एक्टिविटीज़ हमें क्लेरिफाई करेंगी किसके बारे में, बेसिक फीचर्स किसके, साइक्लोन के। और स्टार्ट करने से पहले रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, कि विंड क्या होता है, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपकी फर्स्ट एक्टिविटी से करने से पहले यहाँ का टॉपिक है आपका एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है। तो कैसे पता चलेगा भाई, एक्टिविटी कहाँ कैसे करनी है, यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपको वाटर को बॉयल करना है। ठीक है, तो एक्टिविटी में करना क्या है, आपने एक टिन कैन ले लीजिए फिल विद द विद लिड, एक टिन कैन ऐसा लेना है जिसका ढक्कन भी हो, उसे फिल कीजिए, आधा आधा फिल कर दीजिए आप पानी के साथ। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम, उसे कैंडल फ्लेम पे गर्म कीजिए तब तक जब तक उसका वाटर बॉयल करना ना शुरू कर दे। लेट कीजिए कि वाटर जो है वो बॉयल किया थोड़े टाइम के बाद, फिर कैंडल को आप हटा दीजिए। इमिजिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और जल्द जैसे ही आप कैंडल को हटाएंगे तो टाइटली उस पर ढक्कन को लगा दीजिए, फिट कर दीजिए। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, हॉट कैन के साथ जब भी आप कुछ करें तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि वो बहुत गर्म हो चुका है, उसमें पानी बॉयल कर रहा है इसलिए जल भी सकता है, तो ये आप प्रिकॉशन ध्यान रखें इसमें। पुट द कैन केयरफुली इन ए शैलो मेटलिक वेसल और ए वॉश बेसिन, उस कैन को किसी मैटर के ऊपर रखिए जहाँ वॉश बेसिन में रखिए। पाउर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, उसके बाद उसके ऊपर फ्रेश वाटर आने दें। वाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, कैन की शेप को क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इस तरह से आपने इसको गर्म किया है, इसके बाद जब आप पानी डालते हो उस पर, तो ये इसकी शेप देखिए कैसी हो जाती है कैन की। कैन यू गैस बाय द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड, ये शेप क्यों चेंज हो गई इसकी कैन की, क्या आप ये गैस लगा सकते हो। इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन, अगर आपके पास टिन कैन ना हो तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल ले लीजिए, फिर उसमें हॉट वाटर के साथ उसको फिल कीजिए। एम्प्टी द बॉटल, उसको फिर खाली कीजिए। इमीजिएटली कैप इट टाइटली, उसके बाद उसके ढक्कन को टाइट करके बंद कर दीजिए। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, फिर उसके ऊपर पानी फेंकिए। ठीक है, रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अब देखिए कि क्या होता है, ये एक्सपीरियंस आप याद रखिए। जैसे कि व्हेन यू फ्लाई ए काइट, जब आप काइट को उड़ाते हो, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, जो हवा आपके पीछे से आती है क्या वो आपको हेल्प करती है। इफ यू आर इन ए बोट, इज इट इजी टू रो If there is a wind coming from behind you, तो अगर आप किसी बोट में हो, पानी में जा रहे हो, तो क्या ये आसान लगता है, अगर आपके पीछे से हवा आ रही हो तो क्या बोट आसानी से चलती है आगे की साइड। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड,
क्या जब अगर आप साइकिल चला रहे हो और सामने से तेज हवा चल रही हो तो क्या साइकिल चलाना डिफिकल्ट हो जाता है? यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इन टू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। हम जानते हैं कि हम साइकिल में हवा भरते हैं उसके टायर में ताकि वो क्या रहे, टाइट रहे। आल्सो यू नो दैट ए बाईसाइकिल ट्यूब ओवर फिल्ड विद एयर मे बर्स्ट। और आपको ये भी पता है कि अगर उस टायर में हम हवा ज़्यादा भर दें तो वो बर्स्ट फट जाता है। वट इज़ द एयर डूइंग इन साइड द ट्यूब? एयर ट्यूब के अंदर क्या कर रही होती है? डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि कैसे एयर जो है उसी बाईसाइकिल के टायर में वो उसी शेप की कैसे हो जाती है। ये जो सारे एक्सपीरियंस हैं ये क्या शो करते हैं कि एयर के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है। और इसी प्रेशर के कारण जो लीव्स होती हैं ट्रीज़ की, जो बैनर्स लगे होते हैं, जो फ्लैग्स होते हैं, वो हिलते हैं, फ्लटर करते हैं जब कब जब विंड आती है, तूफान आ रहा होता है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस टू शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर। आप कुछ और एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं जिससे आपको पता चले कि एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन गेट डिस्टॉर्ट। चलो एक्सप्लेन करते हैं, ट्राई करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो कैन था, जो उसकी बॉटल जो हमने ली थी प्लास्टिक बॉटल, उसकी शेप क्यों चेंज हो गई? एज द वाटर इज पॉर्ड ओवर द कैन, जैसे ही पानी पड़ा था उस कैन के ऊपर, गर्म वाले कैन के ऊपर, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इन टू वाटर। जो उस कैन के अंदर जो स्टीम थी वो कंडेंस होकर किस फॉर्म में आ गई? वाटर के फॉर्म में। और उसने रिड्यूस कर दिया किसका अमाउंट? एयर का, जो कैन के अंदर था। तो जो प्रेशर था एयर का कैन के अंदर वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर किसके कंपैरिजन में? उसके कंपैरिजन में, वो वाली एयर के कंपैरिजन में जो कैन के बाहर थी। कहने का मतलब कैन के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर कम हो गया किसके कंपैरिजन में? वो वाली एयर के जो कैन के बाहर थी। और रिजल्ट क्या हुआ? कैन जो था कंप्रेस हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई। ये एक्टिविटी अगेन कंफर्म करती है कि एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।